एसीबी ने जयपुर में सबसे बड़ा ट्रैप किया है। एसीबी ने जयपुर में घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केशावत को 18.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एसीबी ने 3 दलालों को भी दबोचा है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों की ये गड्डियां और तस्वीरों में नजर आ रहे इन लोगों ने एक बार फिर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसे एसीबी ने नेस्तनाबूद कर दिया। जयपुर में एसीबी ने आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली ईओ परीक्षा पास कराने के एवज में घूस लेने के आरोप में घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केशावत और उसके साथ 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 18.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वो बाहर आया करीब 5-7 मिनट बाद, आगे खुद केशावत साहब ने वो पैसे गिने हैं। पैसे गिनते गिनते लास्ट में कुछ ये बोला कि कुछ नोटों में मेरे को फर्क लगता है, ये गलत पैसे लग रहे हैं, हो सकता है डम्मी नोट हो। तब जैसे ही एसीबी को पता चला, एसीबी वहां पहुंच गई और उसको पकड़ा रंगे हाथों। मेरे सामने उसके हाथ वो पाउडर उसको धुलाए गए, उसमें रंग आया है बिल्कुल। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारे से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना। जयपुर में एसीबी का बहुत बड़ा ट्रैप, गोपाल केशावत सहित 4 घूसखोर ट्रैप, घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केशावत ट्रैप, दलाल रविंद्र, अशोक और ब्रह्म कुमार भी ट्रैप। आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर मांगी थी 40 लाख की रिश्वत। जयपुर में 7.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। परिवादी ने सीकर एसीबी में दर्ज करवाई थी शिकायत। एसीबी के सत्यापन में 25 लाख की रिश्वत मांगने की बात हुई प्रमाणित। 18,50,000 रुपए पहले ही ले चुके थे आरोपी। घूसखोरी के मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट पार्टी है और इस घटना से कांग्रेस पार्टी पूरी बेनकाब हो चुकी है और ये स्पष्ट है कि सरकार और कांग्रेस पार्टी इस राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने में एक बड़ा कारक है। अब जनता में आपका चेहरा सामने आ चुका है, इसका सबक जनता आपको आने वाले समय में सिखाएगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासा ने आरोपों को दरकिनार कर कहा कि पार्टी का आरोपी से कोई संबंध नहीं है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि इस तरीके के व्यक्ति को पकड़ा गया है जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसको कांग्रेस पार्टी में 2018 में निकाल दिया था और अभी भी किसी तरह का पदाधिकारी उसको नहीं बनाया गया है और हमारा कांग्रेस पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है। कल 4 घूसखोर एसीबी की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। महिमा जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इधर